हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में क्या गलती ना करें, कैसे एग्ज़ाम में अच्छे से आपको क्वेश्चंस को डील करना है, पैनिक नहीं करना। तो अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। सो बिना देरी किए आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस का आने का चांसेस ज़्यादा है और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली लर्न ऑल फार्मूलाज, मतलब आपको फार्मूलाज सारे चैप्टर्स के करके जाने हैं। आपने कर रखा होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि 2D 3D ये सब के स्पेशली आप करके जाना। जैसे डायगोनल ये सब का ही पूछ सकता है, क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने को बोलेगा, आपको साइड दिया हुआ रहेगा, तो उन सब का फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस बनाना आ रहा है, सर्कल के क्वेश्चंस बनाना आ रहा है, एंगल वेंगल निकालने को बोला आप कर ले रहे हो, पर आपको कॉन्सेप्ट का उतना नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ABC है, D मिड पॉइंट है और D से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। DE और DF की लेंथ सेम है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब से तभी बनेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तभी। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चंस थे, जैसे वैल्यू पुटिंग से आपके बन जाते, जहाँ पे आप थीटा को 90, 40, 45 कितना ही पुट करवाते तो क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। दूसरा सिंपल क्वेश्चन साइन कॉस पे बेसिस, जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 कॉस थीटा और आपसे वैल्यू पूछ लिया है कॉट थीटा का, तो वो सब क्वेश्चंस आपको अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको मालूम है तो आपसे बन जाएगा वो क्वेश्चंस। फिर आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपको वो 3 वाला नहीं पढ़ना है, 2 मिक्सचर वाला पढ़ लोगे तो, मतलब 3 वाला अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं आता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है उस चैप्टर के बारे में, तो एटलीस्ट 2 वाला तो करके जाना आप। जैसे कि 2 मिक्सचर को मिक्स करने पे इतने इतने प्रोपोर्शन पे मिक्स करने पे कितना उसका रेट आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ओवरऑल मैं बताना चाहूँगी कि मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, थोड़े से कैलकुलेशन थे, जैसे आपको क्यूबॉइड का वही मैं बताई जो डायगोनल वाला, उसमें आपको साइड दिया हुआ था पर थोड़ा सा साइड डिफिकल्ट था, मतलब जो साइड दिए होते वो पॉइंट में थे, तो उसका स्क्वायरिंग करना, फिर ऐड करना, फिर रूट से बाहर निकालना डायगोनल के फॉर्मूला में, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो वो आपको हेल्प करेगा। फिर आते हैं रीजनिंग के पार्ट में। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन ये सब काफ़ी ईजी थे, आप वो सब क्वेश्चन आराम से कर लोगे। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, उसमें भी अगर आप टाइम दोगे, टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से करते हो, मतलब मैथ्स में इंग्लिश में सब में अच्छे से टाइम मैनेज करते हो, तो रीजनिंग में इन क्वेश्चंस को आप बाद में भी देख सकते हो, मतलब बाद में टाइम अच्छे से दे सकते हो अगर कोई क्वेश्चन एक दो नहीं भी बनाए तो। फिर भी अगर टाइम नहीं बचता है तो कोई नहीं, पर ट्राई करना है कि इन सब क्वेश्चंस को बाद में करने हैं ताकि अच्छे से रिलैक्स होकर के आप कर पाओ। और अगर आप पहले करते हो और आपको आते थे कि मैं पहले कर लूँगा, तो करना, जो आपका मतलब स्ट्रेटेजी है उसी को फॉलो करना, उसको लास्ट मौके पे चेंज मत करना किसी और के बाद में आकर के। फिर स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब मतलब रीजनिंग में अगर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा तो आप तुरंत देख पाओगे कि क्या रिलेशन है इसमें। फिर आते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। तो इसमें क्या होता है कि कोई कोई क्या करते हैं कि उनको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद नहीं रहता, जैसे पी का क्या होता है, यू का क्या होता है, वो सब वो लिख रहे होते हैं कि ये का 1 है, पी का इतना है, यू का 21 है, ऐसे नहीं करना आपको, वो सब याद आपको होनी चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन डाइस। डाइस के क्वेश्चंस भी ईजी थे, पर डाइस का क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि 1, 2, 3 नंबरिंग क्या हुआ है, 5 के अपोजिट में क्या है ये बताओ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। क्वेश्चंस थे लाइक कि कलर दिया हुआ है आपको ब्लू ब्लैक, बताओ ब्लैक के पीछे क्या है, ऐसा करके। तो वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबरिंग में हम लोग तुरंत कर लेते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा करके तुरंत कर लेते हैं, इसमें भी कर लेंगे, पर आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि वहाँ पे 1, 2, 3 नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कलर्स के नेम, इंसान का नेम, कुछ भी हो सकता है कि इसके पीछे क्या बताओ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। फिर आते हैं नॉट। नॉट का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि 3, 5, 8 ऐसे करके दिया हुआ है और कौन सा इस पैटर्न पे नहीं है वो बताना है, और आप क्या किए फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखे कि अरे ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप उसको वो मार के आ गए, पर क्वेश्चन में नॉट पूछा था कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है आपको, ये ज़रूर देखना है कि सेम पूछा है या फिर नॉट सेम पूछा है, ठीक है। तो ये सब सिली मिस्टेक्स आपको वहाँ पर नहीं करने हैं।
फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश एंटोसाइनो बहुत इजी थे, प्रीवियस ईयर पे बेसिस थे, बेस्ड थे। तो अगर आपने ब्लैक बुक या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक कर रखी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वाले शिफ्ट में PQRS नहीं था, पर बेसिकली रहता भी है तो एक से दो रहता है, तो उसके लिए भी टेंशन वाली बात नहीं है। एरर बहुत ईजी था। अगर आपने 120 रूल्स निमिषा मैम के कर रखे हैं या फिर आपने इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से कर रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर आते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट बेसिकली दो तीन ईजी थे, थोड़े से एक दो आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, जैसे प्रीपोजिशन वगैरह पे भी था, तो उन सब का नॉलेज आपको है तो आप कर लोगे। फिर आते हैं एरर, ये सब फाइंड करना था। वहाँ पर टेंस वेंस पे भी देखा जाता है, टेंस पे आप देखोगे कि कौन सा टेंस कहाँ पे लग रहा है, तो वो सब आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल पे भी हो सकता है, आर्टिकल ए के जगह दा लग रहा है, दा के जगह ए लग रहा है, वो सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एरर नहीं समझ में आ रहा कि क्या इसमें एरर है, तो वहाँ ज़रूर देखना कि ए और दा का तो कहीं मतलब कुछ नहीं है ना, आर्टिकल का भी ध्यान रखना है आपको। ग्रामेटिकल एरर पूछेगा तो वो आपको ग्रामर की नॉलेज होगी तो वो आप कर लोगे। स्पेलिंग बहुत ईजी थी, स्पेलिंग आपको नॉर्मल से पूछे जाएंगे, और अगर मतलब हार्ड भी रहेगा तो आप कर लोगे, टेंशन नहीं लेने की बात है उसमें। फिर आते हैं GS पे। GS पे गवर्नर सारे स्टेट का कर लेना। मेरे वाले शिफ्ट में झारखंड का गवर्नर पूछा था, आपके शिफ्ट में अब झारखंड का नहीं पूछेगा पर किसी और का पूछ सकता है, तो सारे स्टेट का गवर्नर कर लेना आप। आर्टिकल 81 आया था मेरे शिफ्ट में, तो आर्टिकल अच्छे से कर लेना, प्रेसिडेंट, DPSP, फिर फंडामेंटल राइट्स, ये सब सारे करके जाना आप लोग। फिर 2011 के सेंसस पे क्वेश्चन आया था, वहाँ पे परसेंटेज में नहीं पूछा था कि कितने परसेंटेज है ये बताओ, माइनॉरिटीज़ कितने एग्जैक्ट पॉपुलेशन पूछा था मिलियंस में, तो वो पॉपुलेशन आपको बताना होगा, मतलब कुछ और भी आ सकता है, पर ऐसा नहीं, ये मत करके जाना कि मैं परसेंटेज में ही सिर्फ पढ़ के जा रहा हूँ, कहीं आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यू पर आ गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेसिकली ये था आज का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।